सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दर्शन शास्त्र में आज हम लोग पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे और पाश्चात्य दर्शन के तहत आज हम लोग प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत यानी प्लेटो का प्रत्ययवाद पढ़ेंगे। प्लेटो एक ग्रीक दार्शनिक थे और उनको सुकरात का शिष्य भी माना जाता है और अरस्तु का गुरु माना जाता है। प्लेटो का उदय ग्रीक दर्शन में उस समय हुआ जब ग्रीक दर्शन में बौद्धिक अराजकता का युग था। बौद्धिक अराजकता के इस युग में चारों ओर व्यक्ति निष्ठतावाद का प्रसार था। व्यक्ति निष्ठतावाद की अवधारणा सभी चीज को व्यक्तिगत मान रही थी और इस अवधारणा का यह मानना था कि जो जैसा सोच रहा है वही उसके नजर में सत्य है। यानी हम जो सोचे सच्चाई वही है। और यह वह समय था जब दर्शन का विशेषतः ग्रीक दर्शन का जो आधार था जो नींव था वो बहुत ही कमजोर था। सोफिस्टों के व्यक्तिनिष्ठतावाद में ज्ञान का आधार ही डगमगा रहा था और ऐसे समय ही प्लेटो का उदय हुआ। अब प्लेटो के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यही थी कि ज्ञान का एक निश्चित आधार ढूंढा जाए, एक नित्य आधार ढूंढा जाए, एक अपरिवर्तनशील आधार ढूंढा जाए, एक सार्वभौमिक आधार ढूंढा जाए। और इसी आधार की खोज को प्लेटो ने प्रत्ययवाद का या प्रत्यय के सिद्धांत के अवधारणा के रूप में व्यक्त किया। अर्थात ज्ञान के अपरिवर्तनशील और नित्य स्वरूप के खोज के संदर्भ में प्लेटो ने जिस विचारधारा का प्रतिपादन किया उसको प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत बोलते हैं। अपने प्रत्यय सिद्धांत का प्रारंभ करते समय प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान के वास्तविक विषय प्रत्यय हैं। प्लेटो का कहना है कि परिवर्तनशील और अनित्य जगत की इन वस्तुओं को जो प्रत्यक्ष जगत की वस्तुएं हैं जो विशेष वस्तुएं हैं चूंकि वो अपरिवर्तनशील हैं अनित्य हैं इनको ज्ञान का वास्तविक आधार नहीं माना जा सकता। प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान का जो वास्तविक आधार है वो अपरिवर्तनशील तथा सार्वभौमिक होना चाहिए। अपरिवर्तनशील होना चाहिए यानी बदलना नहीं चाहिए और सार्वभौमिक माने हर जगह पूरे यूनिवर्स में सत्य होना चाहिए। प्लेटो का कहना है कि यह अपरिवर्तनशील तथा नित्य सत्ता सामान्य ही हो सकती है, विशेष वस्तु नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? सामान्य या अपरिवर्तनशील और नित्य सत्ता सामान्य ही हो सकती है और इसी सामान्य को प्लेटो ने क्या माना है? प्रत्यय कहा है। अर्थात प्लेटो का अपने प्रत्यय सिद्धांत के प्रतिपादन में सबसे पहले यही कहना है कि ज्ञान का जो वास्तविक आधार है वो अपरिवर्तनशील तथा नित्य सत्ता ही हो सकता है और यह अपरिवर्तनशील तथा नित्य सत्ता सामान्य ही हो सकता है और इसी सामान्य को प्लेटो ने प्रत्यय कहा है और इसी प्रत्यय को सिद्ध करने के लिए प्लेटो ने जिस थ्योरी का प्रतिपादन किया है उसको प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत कहते हैं। ये तो प्लेटो यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान का एक मजबूत आधार ढूंढने के लिए
ज्ञान का एक नित्य आधार ढूंढने के लिए, ज्ञान का एक अपरिवर्तनशील आधार ढूंढने के लिए प्लेटो ने जिस अवधारणा का प्रतिपादन किया, प्लेटो ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसी को प्रत्यय सिद्धांत कहते हैं। अब थोड़ी सा हम प्रत्यय के बारे में जरा जान लें, तब हम प्लेटो का प्रत्ययवाद या प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत और व्याख्यायित करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के मन में प्रत्यय की भी एक अवधारणा हो सकता है क्लियर ना हो, और बिना प्रत्यय की अवधारणा को हम क्लियर किए हम प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत पढ़ाए तो ये निश्चित ही बेकार होगा। देखिए, प्रत्यय का मतलब होता है विशेष वस्तुओं में जो एक सामान्य अवधारणा होती है, विशेष वस्तुओं में एक सामान्य जो अवधारणा होती है, या एक विशेष वर्ग के वस्तुओं में जो सामान्य अवधारणा होती है, जो एक ऐसी अवधारणा जो सब में व्याप्त हो, जैसे राम, मोहन, श्याम, सोहन, ये सब मनुष्य हैं। अब ये मनुष्य क्यों है? क्योंकि इनके अंदर एक सामान्य अवधारणा पाई जाती है, एक सामान्य तत्व पाया जाता है, वह है मनुष्यत्व। मोहन इसलिए मनुष्य है कि उसके अंदर मनुष्यत्व पाया जाता है, यानी मनुष्यता पाया जाता है। सोहन इसलिए मनुष्य है क्योंकि उसके अंदर मनुष्यता पाया जाता है। तो जो मनुष्यत्व है, जैसे घट में घटत्व है, ठीक है ना, जो सार भूत है, जो सारांश है, उस सारांश को, जो आइडिया हमारे मन में सारांश आ रहा, जैसे आपसे कहा जाए फला मनुष्य, तो आपके मन में मनुष्य की एक अवधारणा उत्पन्न हो जाए। फला घड़ा, तो आपके मन में एक घड़े का अवधारणा पैदा हो जाए, यानी उसमें कुछ ऐसा है कि वो घड़ा है, मनुष्य में कुछ ऐसा है जो मनुष्य है। संसार के अब चतुर्भुज में कुछ ऐसा है कि वो चतुर्भुज है, त्रिभुज में कुछ ऐसा है कि वो त्रिभुज है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी आकृति का आइडिया हमारे मन में है, और वही आइडिया क्या है? प्रत्यय। अब आप जहां भी तीन भुजाएं देखेंगे आप बोलेंगे त्रिभुजाकार है। तो प्रत्यय एक मानसिक अवधारणा है, एक मानसिक विचार है, जो किसी भी वस्तुओं, विशेष वस्तुओं के समूह में सामान्य होती है, यानी सारी उस विशेष वस्तुओं में वो शामिल होती है। जैसे बहुत सारे मनुष्य में मनुष्यत्व है, बहुत सारे घड़ों में घटत्व है, बहुत सारे घोड़ों में अश्वत्व है, यानी प्रत्यय जो है वो एक सामान्य अवधारणा है, और किसी भी वर्ग विशेष की वस्तुओं का वो सारभूत तत्व है। किसी भी वर्ग विशेष की वस्तुओं के अंदर जो सारभूत तत्व होता है उसी को प्रत्यय बोलते हैं, उसी को आइडिया बोलते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि प्लेटो इसी प्रत्यय को ही वास्तविक सत्ता मानते हैं। उनका मानना है कि जो परिवर्तनशील इस प्रत्यक्ष जगत की जो वस्तुएं हैं वो ज्ञान का आधार नहीं हो सकती हैं। अब आप जो वस्तु देख रहे हैं, जो सामान देख रहे हैं, जो चीजें देख रहे हैं, जो भौतिक जगत की वस्तुएं आपको दिख रही है, ज्ञान का वास्तविक आधार नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं है, आज छोटा है आज कल बड़ा है, छोटा हो सकती है, छोटा है तो बड़ा हो सकती है, ये परिवर्तनशील जगत है। और प्लेटो का कहना है कि इस परिवर्तनशील जगत को हम ज्ञान का वास्तविक आधार नहीं मान सकते हैं, और ज्ञान का वास्तविक आधार हम आधारित प्रत्ययों को ही मान सकते हैं, और प्रत्ययों को एक निश्चित आधार देने के लिए उन्होंने प्रत्ययों को एक दिव्य लोक में स्थापित कर दिया। प्रत्यय इस भौतिक जगत की वस्तुएं नहीं है, प्रत्ययों को सत्य और वास्तविक सिद्ध करने के लिए उन्होंने प्रत्ययों के एक दिव्य लोक को स्थापना की। सुकरात तो प्लेटो को प्रत्यक्ष जगत का ही मानते थे, लेकिन प्लेटो ने प्रत्ययों को दिव्य लोक का वासी बता दिया, ठीक है ना, ताकि वो, उनका कहना था कि तत्व पदार्थ का ही ज्ञान वास्तविक होता है, यानी ज्ञान का आधार जितना तात्विक होगा
उतना ही वो सत्य होगा। अतत्व पदार्थ का ज्ञान जो है वो सत्य नहीं होगा। तो ये प्लेटो का रहस्य भी है, रहस्यवाद भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये प्लेटो का, और उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई चीज, अगर कोई मनुष्य है तो इसलिए मनुष्य क्योंकि उसके अंदर मनुष्यत्व तो है। घड़ा इसलिए घड़ा है क्योंकि इसके अंदर घटत्व तो है। प्रत्ययों के कारण ही वो, अगर आप मान लीजिए एक एक पेन, लाल पेन, काला पेन, नीला पेन, पीला पेन, हरा पेन, पेन आपने बोल दिया, अब पेन क्यों है? पीला पेन, हरा पेन, ला, वो पेन ही क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक सामान्य अवधारणा है, पेन की अवधारणा, और यही पेन का जो विचार है, अवधारणा है, वही क्या है? प्रत्यय, जो सब पेन में व्याप्त है। अगर कोई चीज पेंसिल है तो पेंसिल की एक सामान्य अवधारणा है जिसको आप प्रत्यय बोलेंगे, जो सारे पेंसिल में है। मैंने बताया था कि एक दार्शनिक का सोच उस सामान्य सोच नहीं होता है, ठीक है ना? तो आईएएस की परीक्षा में अगर आप दर्शन शास्त्र लेकर, फिलॉसफी लेकर तैयारी कर रहे हैं, और वो भी वेस्टर्न फिलॉसफी, एक तो वेस्टर्न फिलॉसफी में मटेरियल बहुत कम मौजूद है, दूसरी बात अगर आप कंटेम्परेरी फिलॉसफी में चले जाएंगे, समकालीन दर्शन में, तो और भी मटेरियल कम है। मैंने अपना ये क्लास इसीलिए शुरू ही किया है ताकि आपको उन मूलभूत ज्ञान को दे सकूं, उस मूलभूत मटेरियल्स आपके समक्ष उपस्थित कर सकूं जो वास्तव में उपलब्ध नहीं। वैसे भारत की धरती वीरों से खाली नहीं है, बड़े बड़े वीर हैं, ठीक है ना? बस अपने, जहां तक मेरा अनुभव है, अपना ज्ञान है, वो आप तक शेयर करना चाहता हूं, मेरा मूल उद्देश्य यही है। अगर कुछ कर पाऊंगा आपके लिए तो निश्चित ही हम अपने आप को सफल मानेंगे, ठीक है ना? तो सामान्य व्यक्ति जैसा सोचता वैसा दार्शनिक नहीं सोचता है। सामान्य व्यक्ति चीजों को सामान्य रूप में देखता है, दार्शनिक सामान्य चीजों को असामान्य रूप में देखता है, ठीक है ना? और वैसे दर्शन का मुख्य जो वो है, कार्य है, वो यही तो है कि मूल तत्वों की खोज करना, ज्ञान का वास्तविक आधार ढूंढना और भौतिक वस्तुओं के मूल तत्व की खोज करना, यानी तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों है। और प्लेटो का जो प्रत्यय सिद्धांत है वो तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों है। ज्ञान के वास्तविक आधार प्रत्यय है, यही उसका ज्ञान मीमांसा है, और प्रत्यय ही तात्विक रूप से सत्य है, यानी उनकी तत्व मीमांसा है। तो दोनों तो इन्हीं का प्रत्यय सिद्धांत में ही आ गए। आइए अब प्लेटो अपने प्रत्ययवाद को सिद्ध करने के लिए प्रत्ययों के संबंध में अलग अलग अवधारणा व्यक्त करते हैं। सबसे पहले प्लेटो अपने प्रत्यय, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे एग्जाम में आप लिखिएगा, क्योंकि मैंने किताबों में बहुत मटेरियल्स में देखा है बहुत ही अलग अलग तरीके से लिखा हुआ, और वो बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं। तो हम जो जिस मेथड से आपको बता रहे हैं उस मेथड से आप समझिए, उसी मेथड से एग्जाम में लिखिएगा भी। तो ये तो प्लेटो के परिभाषा हो गया कि कैसे प्रत्यय किसको कहते हैं और प्रत्ययों का मूल कैसे सिद्धि लाए। अब हम ये जाने कि प्लेटो अपने प्रत्ययवाद में किसका किसका वर्णन करते हैं। तो प्लेटो अपने प्रत्ययवाद में सबसे पहले प्रत्ययों के स्वरूप पर विचार करते हैं। तो सबसे पहला है प्रत्ययों का स्वरूप। सबसे पहले प्लेटो अपने प्रत्ययवाद में प्रत्ययों के स्वरूप पर विचार करते हैं। अब प्लेटो अपने प्रत्ययवाद में प्रत्ययों के स्वरूप में चार प्रकार से विचार करते हैं, जरा ध्यान से समझिए इसको। तो प्लेटो के प्रत्ययवाद में हमको प्लेटो के हर विचारधारा को यहां व्यक्त करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले परिभाषा आपने बता दिया, उसके बाद प्रत्ययों के स्वरूप पर आप विचार करिए, फिर प्रत्ययों के स्वरूप पर विचार करके प्रत्ययों के अस्तित्व सिद्धि के संबंध में प्लेटो ने क्या तर्क दिया, फिर प्लेटो ने प्रत्ययों और वस्तुओं के संबंध के बारे में क्या क्या सिद्धांत दिया, फिर प्लेटो की आलोचना अरस्तु ने कैसे किया है, और फिर हमको एक निष्कर्ष देना पड़ेगा। यह प्लेटो का पूरा प्रत्ययवाद होगा। यह थ्योरी लंबी है,
लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको समझ के पढ़ लेंगे ना तो यह बहुत सरल हो जाएगा, बहुत ईजी होगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मेरा जो अपना भाषा है दर्शन शास्त्र पढ़ाने का, वो औपचारिक नहीं है, मतलब किताबी नहीं है, अनौपचारिक भाषा है, सामान्य लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप समझते हैं, जिस लैंग्वेज में आप बोलते हैं। तो हो सकता है आपको कुछ दर्शन शास्त्र वाला भाषा लगे भी ना, क्योंकि मैं कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करता, ठीक है ना। दर्शन शास्त्र जैसे विषय को मैं सरल भाषा में ही पढ़ाने में विश्वास रखता हूं। तो मेरी भाषा अनौपचारिक है, बनावटी नहीं है, अनौपचारिक है, साधारण भाषा में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप अगर समझना चाहें तो बहुत आराम से समझ सकते हैं, भले ही आपको कोई बता रहा हो कि दर्शन शास्त्र बहुत कठिन है, दर्शन शास्त्र में नंबर नहीं मिलता है, दर्शन शास्त्र में मटेरियल की कमी है, दर्शन शास्त्र में समझ ही नहीं आता क्या लिखा जाए। ये सब बिल्कुल गलत बात है। बहुत आसानी से अगर पूरा दर्शन शास्त्र मैंने पढ़ा दिया, बहुत आसानी से आप दर्शन शास्त्र को समझ जाएंगे, और बहुत इजी इजली, इसलिए एक एक चक्के आप समझते जाइए। इसीलिए मैंने प्रत्ययवाद को आज लिया है, पाश्चात्य दर्शन में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन की पूरी तैयारी हो जाएगी। प्लेटो प्रत्ययों के स्वरूप पर विचार करते हैं, परिभाषा देने के बाद प्लेटो अपने स्वरूप के, प्रत्ययों के स्वरूप के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले सत्ता की दृष्टि से विचार करते हैं, सत्ता की दृष्टि से। नंबर टू, प्रयोजन की दृष्टि से, प्रयोजन की दृष्टि से। नंबर थ्री, आकारिक दृष्टि से, आकारिक दृष्टि से। और नंबर फोर, रहस्यात्मक दृष्टि से। इन चार दृष्टियों के आधार पर प्लेटो प्रत्ययों का आपको स्वरूप बताते हैं, ठीक है ना। प्लेटो जो है इन चार दृष्टियों के आधार पर प्रत्ययों का स्वरूप बताते हैं, ठीक है भाई। अब अपने प्रत्ययवाद में प्लेटो प्रत्ययों की पूरी अवधारणा को स्पष्ट करेंगे ना, तो अवधारणा को स्पष्ट करने में पहले बताएंगे प्रत्ययों का स्वरूप क्या है, फिर बताएंगे कि जिन प्रत्ययों के बारे में मैं स्वरूप बता रहा हूं, उन प्रत्ययों की सिद्धि कैसे होगी, उनको सिद्ध कैसे किया जाएगा। फिर जो दर्शन शास्त्र की सबसे बड़ी समस्या है, पारलौकिक जगत और इस भौतिक जगत के में संबंध स्थापित करना, तो वस्तुओं और प्रत्ययों में उन्होंने संबंध स्थापित किया है। तो तीनों को पहले हम लोग यहां व्याख्यायित करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले प्रत्ययों का स्वरूप जो उन्होंने सत्ता की दृष्टि से डिस्कस किया, प्लेटो कहते हैं कि प्रत्ययों की ही पूर्ण सत्ता है, ठीक है ना। लेकिन प्रत्यय जो है पूर्ण सत्ता है, और इस जगत की वस्तुओं का कारण भी प्रत्यय ही है। यानी अगर मनुष्य है तो इसलिए है क्योंकि उसमें मनुष्यत्व नामक प्रत्यय है। अगर कोई घोड़ा है तो उसमें अश्वत्व नामक प्रत्यय है। अगर कोई वस्तु सुंदर है तो उसमें सुंदरता नामक प्रत्यय है, ठीक है ना। और प्रत्ययों का स्वतंत्र अस्तित्व है, चाहे सुंदर वस्तुएं हो ना हो, सुंदर मकान हो, सुंदर गाड़ी हो, सुंदर बंगला हो, सुंदर स्थान हो चाहे ना हो, लेकिन सुंदरता रहेगा। सुंदर वस्तुओं का नाश होता है, लेकिन सुंदरता यानी सुंदरता नामक प्रत्यय का नाश नहीं होता। ब्यूटीफुल थिंग्स कैन बी डिजॉल्व बट ब्यूटी कैन नॉट डिजॉल्व। ब्यूटी जो सुंदरता है वो डिजॉल्व नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन ब्यूटीफुल वस्तुएं समाप्त हो सकती है। यही तो प्लेटो बताना चाह रहे हैं, प्लेटो यही कहना चाह रहे हैं कि प्रत्ययों की पूर्ण सत्ता है, और जो वस्तुएं इस समय पृथ्वी पर हैं उनकी अस्तित्व का कारण भी प्रत्यय है, लेकिन प्रत्ययों का अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र है। प्रत्ययों का अस्तित्व जो है स्वतंत्र है, इस जगत की समस्त वस्तुओं के अस्तित्व का कारण प्रत्यय ही है, लेकिन इसके बावजूद प्रत्यय जो है वो परे है और इस लौकिक वस्तुओं से क्या है, स्वतंत्र है। तो प्रत्ययों की सत्ता की दृष्टि से प्रत्यय
प्लेटो यही बताना चाहते हैं कि प्रत्ययों की ही पूर्ण सत्ता है और इस जगत की समस्त वस्तुओं की सत्ता या अस्तित्व का कारण ही प्रत्यय है। प्रत्यय के कारण ही कोई वस्तु सत्य है, अगर प्रत्यय नहीं है तो वस्तु सत्य नहीं। तो सत्ता की दृष्टि प्रत्यय यही बताना, प्लेटो यही बताना चाह रहे हैं कि प्रत्ययों की ही सत्ता है और प्रत्यय के कारण ही अन्य वस्तुओं की सत्ता है, ठीक है ना। यानी वस्तुओं की सत्ता का मूल कारण क्या है, प्रत्यय। इसके बाद प्लेटो जो है प्रयोजन की दृष्टि से प्रत्ययों के बारे में विचार करते हैं, ठीक है ना। इस दृष्टि से प्लेटो बताते हैं कि प्रत्यय वे नित्य साचे हैं। प्रयोजन की दृष्टि, इसका प्रयोजन क्या है, प्लेटो ये बताते हैं कि प्रत्यय ही वे नित्य साचे हैं जिसके आधार पर ईश्वर इस जगत की वस्तुओं का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी प्रयोजन की दृष्टि से विचार करने पर प्लेटो यह बता रहे हैं कि प्रत्यय वे नित्य साचे हैं, प्रत्यय वे नित्य साचे हैं जिनके आधार पर ईश्वर इस प्राकृतिक जगत में स्थित वस्तुओं का निर्माण करता है। यानी प्रत्यय मूल बिंब है और वस्तुएं उसकी प्रतिबिंब है, प्रत्यय मूल बिंब है और वस्तुएं उसकी प्रतिबिंब है, ठीक है ना। और प्रत्यय और इधि प्रत्ययों का जो परम सुख प्रत्यय है उसी ओर सारी वस्तुएं जो है अग्रसरित हैं। मतलब जो सर्वोच्च प्रत्यय है उसी ओर ये सब मिनिमम वाली जो प्रत्यय है वो उसी ओर अग्रसरित है, ठीक है ना। और ये विकास की प्रक्रिया है, माने नीचे का प्रत्यय ऊपर की प्रत्यय को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है ना। और ये वस्तुएं जो है उन्हीं प्रत्ययों की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि सत्य के संवादिता का सिद्धांत भी उन्होंने प्रतिपादित किया था कि हमारे विचार के अनुरूप वस्तुएं जितना ही उतना सत्य होंगी। यानी वस्तुओं और विचार में जितनी जितना समानता होगा उतनी वस्तुएं सत्य होंगी। तो वस्तुएं क्या है, प्रत्ययों की ओर ही अग्रसरित है, ठीक है ना। और यह विकास है और यह विकास प्रयोजनपूर्ण है। यानी वस्तुओं का प्रत्ययों की ओर अपने पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, ठीक है। और यह विकास प्रयोजनपूर्ण है, यांत्रिक नहीं है, यह प्रयोजनात्मक दृष्टि से उन्होंने विचार किया। आप बस इतना ही लिख सकते हैं कि प्रयोजनपूर्ण दृष्टि से प्रत्यय ही वो नित्य साचे हैं जिसके आधार पर ईश्वर इस जगत की वस्तुओं का निर्माण करता है। प्रत्यय बिंब है और प्रत्यय मूल बिंब है और वस्तुएं क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है ना। आप इस इधार पे लिख सकते हैं साचे, मतलब प्रयोजन माने साचे आप कह सकते हैं जिसके आधार पर इसका। क्यों साचे कह रहे भाई, क्योंकि वस्तुएं वास्तव में पूर्ण सत्य नहीं है, सत्य तो प्रत्यय है, तो वस्तुएं प्रत्यय की ओर अग्रसरित है और उनको परम सुख तक पहुंचना है, ठीक है ना। वस्तुएं प्रत्यय की ओर नित्य अग्रसरित है। अगला क्या है, आकारिक दृष्टि से। आकारिक दृष्टि से प्लेटो ये कहते हैं कि वस्तुएं जो हैं आकारिक दृष्टि से ये प्रत्यय जो है वस्तुओं के सारभूत तत्व है, सारभूत है, सार जैसे मैंने बताया राम मोहन श्याम ये क्या है, मनुष्य है, इनके अंदर क्या है, मनुष्यता या इनका बौद्धिक प्राण। अच्छा अगर मैं आपसे कह दूं बौद्धिक प्राणी इस पृथ्वी का बौद्धिक प्राणी, तो आप बोलेंगे शेर है, बिल्कुल नहीं, हिरण है, बिल्कुल नहीं, क्रोकोडाइल है, बिल्कुल नहीं, बंदर है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही आप एक जानवर का नाम लेंगे जिसका नाम है मनुष्य, तो आप क्या बोलेंगे, बौद्धिक प्राणी यही। यानी राम मोहन श्याम सोहन राकेश जो भी नाम ले लीजिए आप, जितने लोगों का आप नाम ले लीजिए, इन लोगों में एक सारभूत तत्व है, सेंट्रल आइडिया, वो क्या है, बौद्धिक प्राणी होना, क्योंकि ये सब क्या है, मनुष्य। तो प्लेटो का
प्लेटो जब आकारिक दृष्टि से, आकारिक दृष्टि से जब प्रत्यय के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं, तो प्लेटो का कहना है कि जो प्रत्यय है वो क्या है, सारभूत तत्व है, ठीक है ना। अब जैसे आपने बौद्धिक प्राणी आप कह दीजिए बस केवल इस पृथ्वी पर, तो एकमात्र बौद्धिक प्राणी मनुष्य है, तो बौद्धिक प्राणी होना मनुष्यों का क्या है, सारभूत तत्व। प्लेटो कह रहे हैं कि प्रत्यय वस्तुओं के सारभूत तत्व हैं, और आकारिक दृष्टि से, आकारिक माने क्या हो, उसका आकार क्या है, सारभूत होना, सारांश होना। और प्लेटो का यह भी कहना कि चूंकि प्रत्यय सारभूत तत्व हैं, इसलिए प्रत्यय के कारण ही आप सजातीय वस्तुओं को विजातीय वस्तुओं से अलग करते हैं। राम मोहन श्याम और शेर में अंतर है, शेरों का एक झुंड हो और मनुष्यों का एक झुंड हो, तो मनुष्यों का झुंड सजातीय है, शेरों का झुंड सजातीय है, लेकिन मनुष्यों को झुंड और शेरों के झुंड में विजातीय है गुण है, दोनों भिन्न है, क्योंकि उनके अंदर शेर का गुण है, इसके अंदर मनुष्य का गुण है, क्योंकि ये बौद्धिक प्राणी है वो बौद्धिक प्राणी नहीं है। तो मनुष्य को अन्य से जब आप अलग करेंगे, समान मनुष्य को रखेंगे तो सजातीय हो जाएंगे, और मनुष्य की तुलना अन्य से करेंगे तो विजातीय हो जाएगा। तो प्लेटो का कहना है कि प्रत्ययों के कारण ही आप सजातीय और विजातीय को अलग कार्य करते हैं, क्योंकि प्रत्यय ही सारभूत तत्व हैं, और सारभूत तत्व होने के कारण वही दो सजातीय और विजातीय वस्तुओं में अंतर पैदा करते हैं। इसके बाद प्लेटो जो है वो रहस्यात्मक दृष्टि से विचार करते हैं। अपने रहस्यात्मक दृष्टि से विचार करते समय प्लेटो यह कहते हैं कि प्रत्यय शुभ की अभिव्यक्ति है, प्रत्यय जो है वो शुभ की अभिव्यक्ति है। अब आप ऐसे देख लीजिए कि कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं वो अलौकिक शब्द की ओर भी विचार कर रही है। प्रत्यय शुभ की अभिव्यक्ति है, प्रत्ययों में श्रृंखला है, तारतम्यता है, ऊपर का प्रत्यय सर्वोच्च है, परम शुभ है, और नीचे के प्रत्यय जो हैं वो ऊपर की प्रत्यय की ओर अग्रसर है। यानी प्लेटो प्रत्ययों में एक श्रृंखला बना रहे हैं, रहस्यात्मक दृष्टि से क्या कर रहे हैं कि प्रत्यय जो है वो शुभ की अभिव्यक्तियां। अब शुभ शब्द जो है वो रहस्यवाद की बात कर रहा है, यानी ये थ्योरी जो है लौकिक नहीं है, ये पारलौकिक थ्योरी है, कहीं ना कहीं ईश्वर की ओर संकेत कर रहा है, शुभ की अभिव्यक्तियां। और प्रत्ययों में एक श्रृंखला है, स्तरीय भेद है, सबसे ऊपर नीचे, सबसे नीचे नीचे का प्रत्यय है और सबसे ऊपर शुभ का प्रत्यय है, परम शुभ। आप कहीं ना कहीं प्लेटो का यह परम शुभ जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की अभिव्यक्ति बता रहा है, और सबसे ऊपर का प्रत्यय जो है वह नीचे के प्रत्यय को नियंत्रित करता है, और पहुंचना कहां है, परम शुभ तक, लास्ट तक, फाइनल तक पहुंचना, फाइनल गुड तक पहुंचना, परम शुभ। परम शुभ कहीं ना कहीं ईश्वर की अवधारणा को व्यक्त कर रहा है। वैसे भी दर्शन शास्त्र में शायद ही बहुत कम ऐसे दार्शनिक हुए हैं जो अपने दर्शन को व्याख्यायित करने के लिए ईश्वर की सहायता ना लियो। ठीक, आगे चल के कुछ नास्तिक दार्शनिक शास्त्र वगैरह पैदा हुए, ठीक है ना, शास्त्र की नास्तिकता ही उनका सबसे बड़ा आधार बना, लेकिन गिने चुने दार्शनिक हुए, चाहे वो पाश्चात्य दर्शन हो, चाहे वो भारतीय दर्शन हो, कोई दर्शन हो, अपने दर्शन के अंतिम सिद्धि के लिए लगभग लगभग सभी दार्शनिकों ने ईश्वर का सहायता जरूर लिया। अब ये बोल रहे हैं सबसे ऊपर परम शुभ का प्रत्यय है और नीचे के जो प्रत्यय है वो उसी ओर अग्रतर है, तो परम शुभ का प्रत्यय क्या बता रहा है, और श्रृंखला है, स्तरीय भेद है, सबसे सबसे नीचे भाग पर नीचे वाले प्रत्यय हैं और सबसे ऊपर, और धीरे धीरे आप बढ़ते चले जा रहे हैं, सबसे ऊपर परम सुख प्रत्यय पर पहुंच रहे हैं। अब प्रत्ययों में भी स्तरीय भेद है, श्रृंखला है, स्तरीकरण है, सबसे नीचे कम वास्तविक प्रत्यय, सबसे ऊपर अधिक वास्तविक प्रत्यय, और फाइनल परम सुख, तो यह किसकी ओर बता रहा, ईश्वर की ओर ही बता रहा है, ठीक है ना। मैंने बताया आपको कि कोई ऐसा दार्शनिक नहीं हुआ जो इससे निकल जाए,
ये तो चार दृष्टियों से प्लेटो जो है वो किसका वर्णन कर रहा है, प्रत्ययों का, प्रत्ययों के स्वरूप का वर्णन कर रहा है। अब प्रत्ययों का स्वरूप स्पष्ट करने के बाद प्लेटो जो है वो प्रत्ययों के अस्तित्व को सिद्ध करने का तर्क दे रहे हैं। प्रत्ययों के अस्तित्व सिद्धि संबंधी तर्क अगला जो बिंदु है, ऐसे लाइन से एग्जाम में लिखना है, पहले प्रत्ययों का स्वरूप बताइए आप जो चारों बताया, फिर प्रत्ययों के अस्तित्व सिद्धि संबंधी तर्क, प्रत्ययों के अस्तित्व अस्तित्व सिद्धि संबंधी तर्क, प्रत्ययों के अस्तित्व सिद्धि संबंधी तर्क। सबसे पहला तर्क देते हैं ज्ञान मीमांसीय तर्क, ज्ञान मीमांसीय तर्क। नंबर टू क्या देते हैं, अभाव मूलक तर्क, अभाव मूलक तर्क। और नंबर थ्री देते हैं अभेद मूलक तर्क। प्रत्ययों के अस्तित्व सिद्धि संबंध में ये तीन तर्क महत्वपूर्ण। भाई बहुत लंबा व्याख्या करना आपको तो वहां थोड़ी सा, अब मान लीजिए 200 वर्ड में दे दिया प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत, तो इतना बड़ा डिस्कशन 200 शब्द में कर देना है या 300 शब्द में कर देना है। तो आपको एक तरीका ये जरूर समझना पड़ेगा कि कैसे कम से कम शब्दों में हम उसको व्याख्या करें। ज्ञान मीमांसी तर्क के आधार पर प्लेटो ये कहते हैं कि ज्ञान का आधार नित्य और अपरिवर्तनशील होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, और नित्य और सार्वभौमिक और अपरिवर्तनशील तो केवल प्रत्यय ही है, प्रत्ययों की सत्ता ही है। प्लेटो तो यहां तक कहते हैं कि यदि प्रत्ययों को न माना जाए तो वस्तुओं की सत्ता संभव ही नहीं है। अगर हम मनुष्यत्व को ना माने तो मनुष्यों की सत्ता ही संभव नहीं, अगर हम अश्वत्व या घोड़त्व को ना माने तो घोड़े की सत्ता ही संभव नहीं, अगर हम घटत्व को ना माने, अगर हम सुंदरता को ना माने तो सुंदर वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है। इससे प्रत्ययों की सत्ता अपने आप सिद्ध हो जाती है। यानी यदि ज्ञान का ज्ञान मीमांसी तर्क में वो कह रहे हैं कि अगर प्रत्ययों को ज्ञान का आधार न माना जाए तो वस्तुओं का अस्तित्व ही संभव नहीं, इससे अपने आप प्रत्ययों की सत्ता सिद्ध हो जाती है। अगर वस्तुएं हैं तो इसका मतलब प्रत्यय है, ज्ञान के वास्तविक आधार के रूप में प्रत्यय हैं। अगर प्रत्यय नहीं है तो मतलब वस्तुएं नहीं, और वस्तुएं हैं इसका मतलब प्रत्यय है, क्योंकि वास्तविक आधार प्रत्यय है और प्रत्ययों के आधार पर ही वस्तुओं का सत्ता है। अब सोचिए, एक प्रकार से प्रत्ययों के अभाव में वस्तुओं की सत्ता को ज्ञान मीमांसी दृष्टि से प्लेटो असंभव बता दे रहे हैं। यानी प्रत्ययों की सत्ता तो स्वतः सिद्ध कर दे रहे हैं, ठीक है ना, प्रत्ययों के अभाव में वस्तुओं की सत्ता ही संभव नहीं है, तो ज्ञान मीमांसी दृष्टि से प्लेटो यही कर रहे हैं कि ज्ञान का आधार नित्य और अपरिवर्तनशील है, होना चाहिए। प्रत्यक्ष जगत की इन वस्तुओं को हम ज्ञान का आधार मान नहीं सकते हैं क्योंकि वो अनित्य भी है और परिवर्तनशील भी है, ठीक। और इससे सिद्ध होता है कि प्रत्ययों की सत्ता है क्योंकि प्रत्यय ही नित्य और अपरिवर्तनशील है। और यदि प्रत्ययों को न माना जाए, भाई देखिए एक तरह तो वो कह रहे हैं, अब देख लीजिए कि कैसे वो प्रत्ययों के अभाव को असंभव कैसे सिद्ध कर दे रहे, कैसे। पहले तो कह रहे हैं ज्ञान मीमांसी दृष्टि के ज्ञान का आधार प्रत्यय है, क्यों है, क्योंकि प्रत्यय अपरिवर्तनशील और नित्य है, ठीक है।
और हम आप परिवर्तनशील और नित्य को ही ज्ञान का आधार मान सकते हैं। जो जो वस्तुएं हैं संसार की वो नित्य, वो अनित्य है और परिवर्तनशील है, तो उनको ज्ञान का आधार नहीं मान सकते हैं। तो हमको आप परिवर्तनशील और नित्य सत्ता को ज्ञान का आधार मानना पड़ेगा। और अपरिवर्तनशील और नित्य सत्ता क्या है? वो प्रत्यय है और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप प्रत्ययों को नहीं मानेंगे तो वस्तुओं की सत्ता ही संभव नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का मूल आधार क्या है? प्रत्यय ही है। दर्शन शास्त्री शब्द अपने सुविधा के अनुसार भी गढ़ लेता है, ठीक है ना? दर्शन शास्त्री जो है वो शब्द अपने सुविधा के अनुसार भी गढ़ लेता है। भाई अगर आपने ये मान लिया कि प्रत्यय नित्य और अपरिवर्तनशील है और नित्य और अपरिवर्तनशील चीज ही ज्ञान का आधार हो सकते हैं, तो प्रत्ययों की सत्ता तो अपने आप सिद्ध हो गई। यही प्लेटो कह रहे हैं, नित्य अपरिवर्तनशील बराबर प्रत्यय, प्रत्यय बराबर नित्य अपरिवर्तनशील। अगर प्रत्यय है तो नित्य अपरिवर्तनशील है और नित्य अपरिवर्तनशील है तो प्रत्यय है। अगर ज्ञान का आधार नित्य अपरिवर्तनशील है तो निश्चित ही प्रत्यय ही होंगे, प्रत्ययों की सत्ता सिद्ध हो गई। यह ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण है। दूसरी यार ये भी बता रहा है कि आप प्रत्यय को नहीं मानेंगे तो वस्तुओं की सत्ता संभव ही नहीं। क्लियर हो गया होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है अभाव मूलत्व। प्लेटो कह रहे हैं कि वस्तुओं के अभाव का प्रत्ययों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब पूछिएगा आप कैसे? सपोज करिए आप बोल रहे हैं कि राम नहीं है, मोहन नहीं है, सोहन नहीं है। राम मनुष्य है, मोहन मनुष्य है, श्याम मनुष्य है, ये लोग मनुष्य हैं, ये लोग नहीं है। तो क्या राम मोहन सोहन के अभाव का, अभाव माने ना होने का, मनुष्यत्व पर या बौद्धिक प्राणी होने पर कोई फर्क है? कोई फर्क है नहीं। यानी विशेष वस्तुओं के अभाव का सामान्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी समान की सत्ता स्वतः सिद्ध है। सुंदर वस्तुएं नष्ट हो जाएं, एक सुंदर मकान नहीं है कोई बात नहीं है, सुंदरता पर कोई फर्क नहीं है। सुंदर व्यक्ति नहीं है, सुंदरता पर कोई फर्क नहीं है। सुंदर मार्कर नहीं है, सुंदरता पर कोई फर्क नहीं है। यानी किसी भी इस लौकिक जगत में, इस लौकिक जगत में विशेषों का अभाव सामान्यों के भाव पर कोई प्रभाव नहीं डालता। उनकी सत्ता क्या होती है? स्वतः सिद्ध होती है। इसको कहते हैं अभाव मूलकता। यानी विशेषों के अभाव का सामान्यों पर कोई फर्क न पड़ना सामान्यों की सत्ता को स्वतः सिद्ध कर देता है। यह क्या है? अभाव मूलक तर्क। यही प्लेटो बता रहे हैं, ठीक है ना? यानी विशेषों से परे सामान्यों का सत्ता है। और आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, राम नहीं है, मोहन नहीं है, सोहन नहीं है। सपोज करिए ए मनुष्य नहीं है, बी मनुष्य नहीं है, सी मनुष्य नहीं है, डी मनुष्य नहीं है। और आपने कहा कि इसका मतलब मनुष्यता खत्म हो गया। अरे भाई कैसे? ई एफ जी एच आई जे तो मनुष्य है कि नहीं है? कैसे मनुष्य है? क्योंकि उनके पास मनुष्यत्व है, उनके अंदर मनुष्यत्व है। और मनुष्यत्व ही क्या है? प्रत्यय। मनुष्यत्व ही क्या है? प्रत्यय। यानी कुछ विशेषों के कारण, कुछ विशेषों के अभाव के कारण अगर वह अवधारणा समाप्त ही नहीं होती है तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर कुछ ऐसा है कि वह समाप्त नहीं हो रही है। और जो कुछ ऐसा है वही क्या है? प्रत्यय। यानी कुछ मनुष्यों का अभाव सामान्य पर प्रभाव नहीं डालता है जिससे सामान्य की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। इसको कहते हैं अभाव मूलक। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, इसको जब समझेंगे तभी एग्जाम में लिख पाएंगे। और मैं तमाम प्रकार के उदाहरण देकर आपको सिद्ध
समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, कहां तक सफल हुई तो आप बता पाएंगे, हमारे हमको जहां तक जिस भाषा में समझ में आया हमने आपको समझा दिया, ठीक है ना। और मैं टूटी फूटी भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, कहीं कहीं मेरा उद्देश्य नहीं कि बहुत हाई फाई लैंग्वेज बोल सकता हूं, लेकिन मैं बोलने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। अच्छा अगला क्या, अभेद मूलकता। अभेद मूल आप दो तर्क समझ गए कि ज्ञान मीमांसी ज्ञान का आधारित प्रत्यय है, अभाव मूलक अभाव का फर्क नहीं पड़ेगा सामान्य पर। तीसरा अभेद मूलक, प्लेटो कहते कि संसार की जो समस्त वस्तुएं हैं वो भेद युक्त है, भेद युक्त यानी विशेष है, भेद युक्त माने विशेष। इससे यह सिद्ध होता है कि इस ब्रह्मांड में कहीं अभेद की सत्ता है, अभेद माने समान। अब मनुष्यों में एक जो सामान्य चीज है वो है अभेद, यानी उसको कहते हैं मनुष्यत्व। और ये जो मनुष्यत्व है वो सभी मनुष्यों में है, यही अभेद है। भेद में अभेद, राम मनुष्य है, श्याम मनुष्य है, दोनों में भेद है। मोहन मनुष्य है, इसमें भेद है, लेकिन इन दोनों के अंदर अभेद क्या है, मनुष्यत्व जो तीनों को मनुष्य बना रही है। यही प्लेटो बता रहे हैं कि संसार की समस्त वस्तुएं भेद युक्त हैं। इससे यह सिद्ध हो रहा है कहीं अभेद की सत्ता है, और वह अभेद की सत्ता ही प्रत्ययों का दिव्य लोक है। प्लेटो प्रत्ययों को इस लोक का वासी नहीं बता रहा है, प्रत्ययों को परलोक का वासी बता रहे हैं। और आगे चलकर जब हम अरस्तु का दर्शन पढ़ेंगे तो अरस्तु जो है प्रत्ययों को स्वर्ग से जमीन पर उतार लाते हैं, प्रत्ययों को इस लौकिक जगत का वासी सिद्ध कर दे रहे। कौन? अरस्तु। तो आगे अरस्तु का दर्शन पढ़ेंगे, तब पहले प्लेटो दर्शन पढ़ लीजिए। कंपेरेटिव स्टडीज द मस्ट इन फिलॉसफी, फिलॉसफी में अन्य दर्शन को समझने के लिए कंपेरेटिव स्टडी बहुत जरूरी है। वैसे जहां तक संभव होगा मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा विस्तार से खोल के, दर्शन शास्त्र कोई दर्शन हो, दर्शन का कोई पार्ट हो, चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी हो, चाहे इंडियन फिलॉसफी हो, चाहे सोशियो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस धर्म दर्शन हो, रिलीजन फिलॉसफी कोई भी हो, चारों में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा पूरी कंपेरेटिव स्टडी करते हुए, और अलग अलग बिंदुओं को भी अलग से व्याख्यायित करूंगा ताकि विस्तार से हो जाए, धीरे धीरे हो पाएगा। देखिए दर्शन शास्त्र का लेक्चर हवा हवाई नहीं होता है, तो लेकिन धीरे धीरे मैं आपको सब बता दूंगा। अब प्लेटो ने प्रत्ययों का स्वरूप को बता दिया, प्रत्ययों का अस्तित्व सिद्ध कर दिया। अब जो सबसे बड़ी समस्या दर्शन शास्त्र की होती है वो होती है वस्तु जगत और पारलौकिक जगत के बीच में जो द्वैत है, उस द्वैत को व्याख्यायित करके दोनों के बीच संबंध स्थापित करना, यानी वस्तुओं और प्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना, ठीक है ना। तो अगला जो तर्क प्लेटो दे रहे हैं वो है प्रत्ययों और वस्तुओं के बीच संबंध। कभी कभी इसी पर एक प्रश्न पूछ देता है कि प्लेटो ने वस्तुओं और प्रत्ययों के बीच संबंध किस प्रकार व्याख्यायित किया, प्रत्ययों और वस्तुओं के बीच संबंध। अब प्रत्ययों और वस्तुओं के बीच संबंध के लिए प्लेटो ने दो सिद्धांत दिया, पहला प्रतिबिंबवाद, प्रतिबिंबवाद, पहला प्रतिबिंबवाद, पहला प्रतिबिंबवाद कॉपी थ्योरी, और दूसरा है सहभागितावाद, सहभागितावाद या अंशवाद। ठीक है ना, पार्टिसिपेंट थ्योरी, पार्टिसिपेशन थ्योरी, वस्तुओं और प्रत्ययों और वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए प्लेटो ने दो थ्योरी दिया, पहला प्रतिबिंबवाद और दूसरा होता है सहभागितावाद।
प्रतिबिंबवाद के अनुसार प्लेटो कहते हैं कि वस्तुएं जो है वो प्रत्ययों की प्रतिबिंब है, ठीक है ना, वस्तुएं जो है वो प्रत्ययों की प्रतिबिंब है, अनुकृति है या प्रतिकृति है, ठीक है ना। आप समझिएगा बिंब और प्रतिबिंब, भाई आगे मैंने बताया आपको कि वस्तुएं और प्रत्ययों क्या है, बिंब और प्रतिबिंब की थ्योरी है, अभी आगे मैंने बताया है। तो वही ये प्लेटो कह रहे हैं कि वस्तुएं जो है वो प्रत्ययों की प्रतिबिंब है, ठीक है ना, वस्तुएं जो है वो प्रत्ययों की प्रतिबिंब है। अब अगर वस्तुओं को प्रत्ययों का प्रतिबिंब मान लिया जाए तब यहां एक समस्या पैदा हो जाती है कि, और यह भी कहना प्लेटो का कि वस्तुएं प्रत्ययों की प्रतिबिंब है, इससे यह सिद्ध हो रहा है कि वस्तुएं जिस सीमा तक प्रत्ययों के अनुरूप हैं उस सीमा तक वो सत्य है, जिस सीमा तक अनुरूप नहीं है उस सीमा तक सत्य नहीं है। लेकिन यहां एक समस्या पैदा हो जा रहा है कि अगर मान लिया जाए वस्तुओं को प्रत्ययों का प्रतिबिंब मान लिया जाए तो यह भौतिक जगत जो है वो असत्य सिद्ध हो जाएगा। जैसे मान लीजिए शीशा में मेरा चित्र बन रहा है, तो जाहिर सी बात है शीशा में मेरा चित्र बन रहा है ना, हमारे हटते ही शीशा का चित्र खत्म, प्रतिबिंब खत्म। तो बिंब और प्रतिबिंब की जो अवधारणा है ये इस भौतिक जगत को असत्य सिद्ध कर दे रहा है। बहुत लोगों ने आलोचना किया प्लेटो का कि अगर आप यह कह रहे हैं कि वस्तुएं प्रत्ययों की प्रतिबिंब है या प्रतिरूप है या प्रतिकृति है या अनुकृति है, और आप यह भी कर दे रहे हैं कि वस्तुएं उतना सत्य है जितना वो प्रत्ययों के अनुरूप है, इसका मतलब हुआ कि जो वस्तु जगत है या भौतिक जगत है वो अगर प्रतिबिंब है तो असत्य है। लेकिन आगे चलकर प्लेटो ने अपने इस अवधारणा में सुधार किया और उन्होंने कहा कि बिंब और प्रतिबिंब कहने का केवल यही तात्पर्य है विज्ञान जगत की पारमार्थिक सत्ता और लौकिक जगत की भौतिक सत्ता, ठीक है ना, या इंद्रिय जगत की व्यवहारिक सत्ता। यानी यहां बिंब और प्रतिबिंब, बिंब बता रहा कि वो परमार्थ है और प्रतिबिंब बता रहा कि वो व्यवहार है, यही कहने का तात्पर्य है, और कुछ कहने का तात्पर्य नहीं, ठीक है ना, और कुछ कहने का तात्पर्य नहीं है। बिंब और प्रतिबिंब केवल परमार्थ और व्यवहार के बीच भेद पैदा कर रहा है। यहां बिंब और प्रतिबिंब का मतलब वास्तविक और काल्पनिक जगत नहीं हुआ, बिंब मतलब परमार्थ और प्रतिबिंब माने व्यवहार, यही अंतर है दोनों का। अगला क्या है, सहभागितावाद या अंशवाद। इस थ्योरी के तहत प्लेटो कहते हैं कि वस्तुएं प्रत्ययों में भाग लेती हैं, वस्तुएं प्रत्ययों में भाग लेती हैं। यदि यह मान लिया जाए तो प्राकृतिक जगत, इसका मतलब प्राकृतिक जगत जो है वो प्रत्यय जगत का एक अंश है। वस्तुएं प्रत्ययों में भाग लेती हैं, जैसे सुंदर वस्तुएं सुंदरता के प्रत्यय में भाग लेती हैं, ऐसे समझा जाए। कोई ए है वो सुंदर है, क्यों, क्योंकि वो सुंदरता में भाग लेता है। भाई सुंदरता तो कोई परिभाषित शब्द है नहीं, सुंदरता इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा है, उसका कोई विभाजन तो है नहीं कि हम कह दें कि भाई 2 मीटर 4 मीटर 2 किलो 5 किलो है, वो कोई मात्रात्मक क्वांटिटी तो है नहीं, वो भाववाचक है, भाव विचार इनका तो कोई नाप होता नहीं है, कोई क्वांटिटेटिव या तो चीज है तो क्वालिटी है। तो सुंदरता, सुंदर वस्तु सुंदरता के प्रत्यय में भाग लेती है। अब प्लेटो की आलोचना इस रूप में क्या थी कि आप कह रहे कि वस्तुएं प्रत्ययों में भाग लेती, जैसे सुंदर वस्तुएं सुंदरता में भाग लेती, अगर इस बात को मान लिया जाए तो प्रत्यय जगत और भौतिक जगत में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर भौतिक जगत की वस्तुएं प्रत्यय जगत में भाग लेती हैं
तो इसका मतलब यह हुआ कि भौतिक जगत प्रत्यय जगत का एक अंश है, और अगर अंश है तो दोनों के बीच कोई भेद नहीं रह जाएगा। यह कहने का कोई मतलब ही नहीं हुआ कि प्रत्यय जगत या परलोक जगत और भौतिक जगत, यह कहने का कोई भेद नहीं, क्योंकि उसमें भाग ले रहा है, इसका मतलब उसका अंश है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आगे चलकर अपने किताब परमेनिडाइज में प्लेटो कहते हैं, परमेनिडाइज नामक किताब में प्लेटो कहते हैं कि नहीं नहीं भाग लेने का मतलब केवल यही है कि जो इंद्रिय जगत है वो प्रत्यय जगत की अभिव्यक्ति है, वो केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं। परमेनिडाइज नामक किताब में अपने ग्रंथ में प्लेटो आगे चल के इस मत में सुधार कर रहे हैं और कहते हैं कि यहां भाग लेने का केवल यही मतलब है कि जो इंद्रिय जगत है वो प्रत्यय जगत की अभिव्यक्ति है, भाग लेने का मतलब अभिव्यक्त होना है। तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाता है कि अंश तो है ना, अभिव्यक्ति है। ये प्लेटो का पूरा सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, जिसमें हम लोगों ने प्रत्ययों के स्वरूप पर, ऐसे एग्जाम में आप लिखिएगा और किसी तरीके से एग्जाम में लिखेंगे तो निश्चित भूल जाएगा वो। तो सरलता के लिए सबसे पहले आप प्रत्यय की परिभाषा बताइए जो मैंने बताया, फिर आप प्रत्ययों के स्वरूप पर चार दृष्टियों से विचार करिए, फिर प्रत्ययों का अस्तित्व सिद्ध करिए, फिर वस्तुओं और प्रत्ययों के बीच संबंध बताइए, और आरोप जो उसका आक्षेप उठा उसको खत्म करके बता दीजिए। लेकिन दर्शन शास्त्र में आलोचना और आलोचना के बाद निष्कर्ष का बड़ा महत्व, इसलिए अब हम लोग प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत की आलोचना करेंगे और आलोचना के बाद हम लोग एक सुंदर निष्कर्ष लेंगे। और प्लेटो की जो आलोचना है प्रत्यय सिद्धांत का, वो सबसे बढ़िया जो आलोचना है वो अरस्तु का है। अरस्तु का आलोचना, अरस्तु ने प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत का बहुत बढ़िया आलोचना किया है। अब अरस्तु की आलोचना क्या क्या है जरा इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अरस्तु कहते हैं कि प्रत्यय तो अमूर्त है, तो इस मूर्त जगत की व्याख्या वो कैसे कर सकते हैं। फिर अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो के प्रत्यय तो निष्क्रिय है, गतिहीन है, तो इस जो वस्तु जगत है इसमें जो गतियां पाई जाती हैं, जो सक्रियता पाई जाती है, उसकी व्याख्या वो कैसे कर सकता है, जरा बताइए। यानी कि प्लेटो का सबसे पहला अरस्तु का जो सबसे पहला आक्षेप है वो है अमूर्त और गतिहीन प्रत्यय इस भौतिक जगत के मूर्त और गतिशीलता का व्याख्या कैसे कर पाएंगे, पहला आक्षेप। दूसरा आक्षेप है कि प्लेटो वस्तुओं और प्रत्ययों के बीच जो संबंध है उसको सही से व्याख्यायित नहीं कर पा रहे। अब आप कहेंगे कि सर कैसे। अब देखिए यहां पर प्लेटो ने दो सिद्धांत दिया वस्तुओं और प्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, पहला प्रतिबिंबवाद और दूसरा अंशवाद या सहभागितावाद। अरस्तु कह रहा है कि ये दो थ्योरी जो है केवल काव्यात्मक भाषा है, माने वो प्लेटो के मन की एक अवधारणा है, ये अंशवाद और प्रतिबिंबवाद और सहभागितावाद, ये एक काव्यात्मक भाषा है, वास्तव में इसका कोई अर्थ नहीं है, इससे वस्तुओं और प्रत्ययों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं होता कि वस्तुएं प्रतिबिंब है, वस्तुएं जो है प्रत्ययों में भाग लेती, इससे संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, ये मात्र एक काव्यात्मक भाषा का सहारा ले रहे हैं जो वास्तव में तर्कतः संतोषजनक नहीं। तो ये दूसरी आलोचना हो गई कि काव्यात्मक भाषा का सहारा ले रहे हैं। तीसरी जो आलोचना है अरस्तु की प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत पर, वो कह रहे हैं कि भाई प्लेटो तो कह रहे हैं कि वस्तुओं के सार तत्व हैं प्रत्यय और उसको परे जगत में स्थापित कर रहे हैं। अगर प्रत्यय वस्तुओं से परे हैं तो प्रत्ययों का स्वरूप तो वैसे नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। परे जगत का होने का मतलब है कि प्रत्यय जो है वस्तुओं से अलग है और वस्तुओं से स्वतंत्र है, अलग है। सो आप कह रहे हैं कि प्लेटो कह रहे हैं कि प्रत्यय स्वतंत्र है, परे जगत की है,
यानी वो वस्तुओं से अलग है। अरस्तु कहते हैं कि अगर प्रत्ययों को वस्तुओं से परे जगत का मान लिया जाए, स्वतंत्र मान लिया जाए, तो प्रत्ययों का स्वरूप ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, एक चीज बताइए, ये कुछ समझने वाली यहां बात है। जब पहली बार किसी बच्चे ने गाय को देखा होगा, प्रत्यय की खोज तो नहीं किया होगा बेचारा, उसको प्रत्यय के माले मन में नहीं आइडिया के बारे में, वो तो देखा होगा ये गाय है, माँ बाप ने बता दिया बेटा ये गाय है। जब उस बच्चे ने घोड़ा को देखा होगा तो माँ बाप ने बता दिया घोड़ा है। ठीक, ये तो एक दार्शनिक ने सोच रहा है कि भैया उस वो गाय इसलिए कि उसके गोत्र पाया गया, गोत्र नामक प्रत्यय पाया गया, वो मनुष्य इसलिए कि उसमें मनुष्यत्व नामक प्रत्यय पाया गया, यानी वस्तुएं हैं तभी तो उसके अंदर प्रत्यय हैं। लेकिन प्लेटो दूसरी ओर से बोल रहे हैं, वो तो कह रहे प्रत्यय है तो वस्तुएं हैं। अरस्तु कह रहे नहीं, अगर आपने प्रत्ययों को वस्तुओं से अलग कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, परलोक जगत का बता दिया, तो प्रत्ययों का स्वरूप नष्ट हो जाए। ये अरस्तु की तीसरी आलोचना। अरस्तु जो अपनी अगली आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि प्लेटो के प्रत्ययवाद में तृतीय पुरुष का दोष है, तृतीय पुरुष का दोष है। अब तृतीय पुरुष का दोष क्या होता जाए समझिए, ये दर्शन का प्रमुख समस्या है, तृतीय पुरुष का दोष। अब ध्यान से इसको समझिएगा, तृतीय पुरुष का दोष होता क्या। अरस्तु कह रहे हैं कि प्लेटो ये कहते हैं कि एक सजातीय वस्तुओं में समानता का जो मूल कारण होता है, सजातीय वस्तुएं जैसे बहुत सारे गाय या बहुत सारे मनुष्य, मान लीजिए राम मोहन सोहन एक मनुष्य हैं, ये सजातीय हो गए, तो इनके सजातीय होने का कारण, इनके बीच जो सादृश्य है, समानता है, उसका मूल कारण क्या है, प्रत्यय है। उसका मूल कारण क्या है, प्रत्यय। उनके यानी एक वर्ग की वस्तुओं के बीच जो समानता है, सादृश्यता है, उसका कारण है कि इनका एक प्रत्यय की अनुकृति होना, एक प्रत्यय की अनुकृति होना, यानी मनुष्यत्व नामक प्रत्यय की अनुकृति होने के कारण राम मोहन सोहन क्या है, मनुष्य है। प्लेटो कह रहे थे भाई, तो अस्तु कह रहे तो ठीक है इतना बात, लेकिन उन समान प्रकार की वस्तुओं और उनके प्रत्यय में भी तो समानता है। फिर से समझ लीजिए, प्लेटो कह रहे हैं कि एक ही वर्ग की वस्तुएं समान इसलिए हैं क्योंकि वो एक ही प्रत्यय की अनुकृति है। जैसे राम मोहन सोहन एक मनुष्य है, क्यों ये समान मनुष्य है, क्योंकि इनके अंदर एक, इनके समानता का मूल कारण है इनमें एक प्रत्यय मनुष्यत्व है, इनमें एक प्रत्यय क्या है, मनुष्यत्व है। लेकिन जो एक प्रकार की वस्तुएं हैं, ठीक, और जो प्रत्यय है उनके बीच समानता है, यानी राम मोहन सोहन मनुष्य और उनका प्रत्यय मनुष्य, इनके बीच में तो समानता है। समझिए इसको, तृतीय पुरुष का दोष आपको कांसेप्ट से समझना है। जैसे गायें या मनुष्य, विभिन्न मनुष्य, आपने कह दिया गाय गाय क्या है, क्योंकि इनके बीच गोत्र है, बहुत सारे गाय में समानता का मूल कारण क्या है, क्योंकि ये गोत्र नामक प्रत्यय के अंग है, गोत्र नामक प्रत्यय, काली गाय, पीली गाय, नीली गाय, जितने प्रकार की गाय हैं उनके अंदर एक सामान्य वस्तु चीज है जिसको कहते हैं प्रत्यय, वो गोत्र है। लेकिन गोत्र और विभिन्न गायों के बीच भी तो समानता ही नहीं, समानता तभी तो आप कह पा रहे हैं कि गाय के अंदर गोत्र है। एक प्रकार की वस्तुओं में समानता है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर गोत्र है, लेकिन उन समान वस्तुओं और उन उस प्रत्यय के बीच भी अगर आपको समानता बताना है
तो उसके लिए अलग एक प्रत्यय की अवधारणा खोज करना पड़ेगा। फिर उसके बीच समानता बताने के लिए एक अलग प्रत्यय की अवधारणा का, जैसे आप अब अंतिम रूप से यहां समझ लें, विभिन्न गायें हमने लिख दिया, बहुत सारी गायें, गाय क्यों है, गाय गाय क्यों है, क्योंकि उनके अंदर गोद तो है। ये तो आपने बता दिया कि ए गाय और बी गाय के बीच समानता का कारण क्या है, गोत्र। ए गाय और बी गाय के बीच समानता का कारण क्या है, गोत्र। लेकिन गायों और गोत्र के बीच में तो समानता कि नहीं समानता है, गायों यानी एक ही प्रकार की वस्तुओं और उनके प्रत्यय के बीच भी समानता है। वो समानता कैसे आप बता पाएंगे कि दोनों भी समानता है, गाय का प्रत्यय गो तो ही कैसे है, मनुष्यों का प्रत्यय मनुष्यत्व ही कैसे है, घड़ों का प्रत्यय घटत्व ही कैसे है, यानी दोनों की भी समानता है, तभी तो आप बोल रहे हैं। इनके बीच की समानता का व्याख्या करने के लिए आपको किसी अन्य प्रत्यय की कल्पना करना पड़ेगा कि गाय और गायों और गोत्र के बीच, गोत्र के बीच समानता के लिए आप किसी तीसरे प्रत्यय की खोज करेंगे, फिर उन दोनों के बीच समानता के लिए किसी और चौथे प्रत्यय की खोज करेंगे। इस प्रकार से आप अनावस्था दोष से ग्रसित हो जाएंगे और इस अनावस्था दोष को ही तृतीय पुरुष का दोष कहा जाता है। अनावस्था माने अंतिम तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखा जाए तो प्लेट अरस्तु की जो आलोचना है वो प्लेटो पर के अवधारणा पर निश्चित ही कटाक्ष है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये अवधारणा ये आलोचनाएं उतनी सही नहीं। अब एक एक आलोचना का जवाब देके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। प्लेटो को सबसे बड़ी अरस्तु को सबसे ज्यादा समस्या ये थी कि उन्होंने वस्तुओं और प्रत्ययों के बीच संबंध को व्याख्यायित नहीं कर किया है, लेकिन यदि देखा जाए तो अपने पार्मेनिडाइज नामक ग्रंथ में प्लेटो यह बताते हैं कि इंद्रिय जगत जो है वो प्रत्यय जगत की अभिव्यक्ति है। अंशवाद और सहभागितावाद को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इतना ही समझ लीजिए कि जो वस्तु जगत है वो प्रत्यय जगत की अभिव्यक्ति है, तो अंशवाद और सहभागितावाद का प्रश्न ही खत्म हो जाता है। अगर प्लेटो ये बता दे रहे हैं अपने परमेनिडाइज नामक अपने ग्रंथ में, अपने अंदर सुधार कर दे रहे हैं और ये बता दे रहे हैं कि वस्तु जगत प्रत्यय जगत की अभिव्यक्ति है, तो यह आक्षेप भी खत्म हो जाता कि अंशवाद और सहभागितावाद से वो व्याख्या ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभिव्यक्त होने में अंशवाद भी और सहभागितावाद दोनों शामिल हो जाते। हम बोल रहे हैं हमारी अभिव्यक्ति हमारे अंदर शामिल है और हम इसमें भाग ले रहे हैं, दोनों आ गया। तो जैसे ही उन्होंने अपने पार्मेनिडाइज नामक ग्रंथ में उन्होंने यह बता दिया कि इंद्रिय जगत वस्तु इंद्रिय जगत प्रत्यय जगत की अभिव्यक्ति है, इससे जो है ये भी आक्षेप या अरस्तु का समाप्त हो जाता है। दूसरा, अरस्तु को सबसे बड़ी समस्या ये थी कि प्लेटो ने प्रत्ययों को पार जगत का बताया है, अलौकिक जगत का बताया है, परे जगत का बताया है इस वस्तु जगत से। लेकिन अगर यहां ध्यान दिया जाए तो प्लेटो ने परे जगत का अपने प्रत्ययों को मात्र इसलिए कहा है कि वो स्वतंत्र है वस्तुओं से, वो वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। यहां पार कहने का मतलब है वस्तु जगत से स्वतंत्रता। अगर वो निर्भरता कर देते तो वो भी परिवर्तनशील और अनित्य हो जाते, नष्ट हो, नश्वर हो जाते। केवल वो नश्वर ना हो, वो अनित्य ना हो, इसीलिए उनको पार जगत का कह दिया। यहां पार कहने का मतलब केवल स्वतंत्रता है वस्तुओं से, उनमें निर्भर ना होना है, निर्भर हो जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। तो यहां पार का मतलब, पार जगत का मतलब स्वतंत्र होना, निर्भर ना, ठीक है ना, ताकि वो नश्वर ना, यहां ये भी कहना। अगर ये बात मान लिया जाए तो ये भी आक्षेप खत्म हो जाता है। और प्लेटो ने अपने एक सिद्धांत में प्रत्ययों को दिक्कालातीत भी कहा है। दिक्कालातीत,
दिक् कालातीत, इसका मतलब क्या हुआ? दिशाओं और काल से वह अतीत हैं, फ्री हैं, ऊपर नीचे यहां वहां आगे पीछे होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यानी अगर प्लेटो की इस अवधारणा दिक् कालातीत को मान लिया जाए तो फिर आक्षेप ही खत्म हो जाएगा। अगला, प्लेटो ने कहा कि प्रत्यय जो है वो विज्ञान जगत है, तो उनका भौतिक होना संभव ही नहीं है। फिर प्लेटो ने यह कहा कि प्रत्यय चेतन है, यानी वो व्यक्ति विशेष, यानी वो भौतिक नहीं है, चेतन है यानी वो भौतिक नहीं है। प्रत्यय विज्ञान रूप सामान्य रूप है, यानी वो भौतिक नहीं है। पहला प्लेटो कहते हैं कि प्रत्यय विज्ञान रूप है, सामान्य रूप है, यानी वो भौतिक नहीं है। फिर वो कह रहा है कि प्रत्यय चेतन है, यानी वो भौतिक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि प्रत्यय सामान्य है, यानी विज्ञान रूप है, चेतन है और चेतन है और सामान्य है, चेतन है, इसका मतलब वो भौतिक रूप नहीं। और यदि सामान्य हो, चेतन सत्ता हो और विज्ञान रूप हो तो उन पर तृतीय पुरुष का दोष लागू ही नहीं होता। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? अगर किसी चीज को सामान्य मान लिया जाए, किसी चीज को चैतन्य मान लिया जाए, किसी चीज को विज्ञान रूप मान लिया जाए तो तृतीय पुरुष का दोष उस पर कैसे निरर्थक हो जाएगा? भाई चेतन सत्ता, चेतना जो है, क्या चेतना को जगह घेरती है? क्या उसका कोई रूप है? रूप कोई आकार है उसका? क्या वो कोई स्थान, कोई मटेरियल नाउन है क्या? वो चेतना नहीं है, मटेरियल नाउन नहीं है। तृतीय पुरुष का अवधारणा जो है वो भौतिक अवधारणा है, वो भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है। लेकिन जो चेतन सत्ता है, जो विज्ञान सत्ता है, जो सामान्य सत्ता है, उस पर तृतीय पुरुष का दोष निरर्थक है। और प्लेटो ने सामान्य विज्ञान और चेतन सत्ता माना अपने पर, तो जो प्लेटो अरस्तु ने तृतीय पुरुष का दोष लगाया है वो निरर्थक साबित हो जाता है। विचार पर तृतीय पुरुष का मटेरियल नाउन पर लागू होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर तृतीय पुरुष का दोष नहीं है। आपका दी सुंदरता काली है, कैसे पता सुंदरता काली है? सुंदरता पीली है तो कैसे पता सुंदरता पीली? हाँ, सुंदर वस्तु पीली हो सकती है क्योंकि मटेरियल नाउन है, लेकिन सुंदरता पीली नहीं हो सकती। तो आप कह दीजिए तृतीय पुरुष का दोष लग रहा, कैसे लगेगा भाई? वो गलत हो गया अरस्तु का। एक बात और अरस्तु ने कहा कि भाई उसका जो निष्क्रिय और जो निराकार प्रत्यय है वो इस वस्तु जगत की गति का कारण कैसे होगा? ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लेटो ने अपने प्रत्ययों को इस लौकिक जगत के गति का कारण नहीं माना है। उन्होंने इस लौकिक जगत के गति का कारण किसको माना है? केवल और केवल ईश्वर को माना है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि अरस्तु ने जितना भी प्लेटो के दर्शन पर तर्क दी, आप एग्जाम में इसको जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो के प्रत्ययवाद के खंडनार्थ अरस्तु ने जो तर्क दिया उसका मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिल्कुल पूरे नंबर दिलाएगा। इसका मतलब अरस्तु ने जो भी आलोचना किया, खंडन किया, वो पूर्णतः सत्य नहीं। वास्तव में प्लेटो प्रत्ययवाद के आदि प्रवर्तक भी माने जाते हैं, और वास्तव में ग्रीक दर्शन में जो उस समय बौद्धिक अराजकता का युग जो था, वास्तव में उसको दूर करने में बहुत बड़ा हाथ प्लेटो का ही है। प्लेटो ने दर्शन के एक निश्चित आधार को, ज्ञान के एक निश्चित आधार को ढूंढने का प्रयत्न किया और प्रत्यय तक पहुंचे।
जिस समय सोफिस्टों ने व्यक्तिनिष्ठावाद का अराजकता स्थापित कर दिया था और सभी ज्ञान संवेदन या अनुभव का बता दिया था और अनुभवों को अनिश्चित बता दिया था। ज्ञान संवेदन के रूप में है लेकिन संवेदन अनिश्चित है, जो जैसा सोच रहा वही सत्य है। यानी ज्ञान का जो अराजकता था या ज्ञान की जो अनिश्चितता था उसको दूर करके ज्ञान का निश्चित आधार ढूंढने में निश्चित ही प्लेटो बहुत हद तक सफल होते। वास्तव में प्लेटो के संदर्भ में ए एन वाइटेड का यह कथन पूर्णतः सत्य सिद्ध होता है कि समस्त यूरोपीय दार्शनिक परंपरा प्लेटो के दर्शन पर धारावाहिक टिप्पणी मात्र है। समस्त यूरोपीय दार्शनिक परंपरा प्लेटो के दर्शन पर एक धारावाहिक टिप्पणी मात्र है, यह बिल्कुल सत्य है। निश्चित प्लेटो के संदर्भ में यही पूर्णतः सत्य कहा जा सकता। तो आज मैंने अपने दार्शनिक विश्लेषण में प्लेटो का प्रत्ययवाद बताया। कोशिश मैंने किया कि एक इस पूरे विस्तृत टॉपिक को विस्तार से समझा सकूं, कहां तक सफल हूं ये आप जरूर बताएंगे। दर्शन शास्त्र का एक लेक्चर लेकर मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।